हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू मई नदर वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेनिफिट्स एंड यूजेज ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा एसेंशियल ऑयल है उनमें से ही एक मैं आप लोगों के साथ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके मन में जितनी भी क्वेरीज है वो आज सॉल्व हो जाएगी तो बात करते हैं एसेंशियल ऑयल बनाया कैसे जाता है ये प्लांट के स्टेम लीफ फ्लावर पेटल इवन रूट से भी बनाया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है मैं आपको यहाँ इमेज शो कर दूंगी आप उसके थ्रू आप समझ सकते हैं हाइएस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑयल रहता है ये इसमें प्लांट के सारे एशंस होते हैं इसलिए इसे इस्तेमाल भी वेरी केयरफुल किया जाता है डाइल्यूट करके किया जाता है किसी कैरियर ऑयल में हम इसे डायरेक्ट अपने स्किन में नहीं यूज करते हैं वेंडर ऑयल इज ए वेरी पावरफुल हर्ब विच हैज लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज एंड लेवेंडर ऑयल हैज बिन यूज एज ए परफ्यूम एरोमा थेरेपी एंड स्किन एप्लीकेशन बात करें कौन से असेंशियल ऑयल मैं यूज करती हूँ तो पर्सनली मैं द काल्प का लेवेंडर असेंशियल ऑयल यूज करती हूँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा सो so, ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा डार्क बॉटल में ब्राउन कलर के ग्लास बॉटल में आपको ये रिसीव होगा और ये 15 एमएल की क्वांटिटी ये मेरा सेकंड बॉटल परचेज है 15 एमएल की क्वांटिटी आराम से दो मंथ चल जाएगा आप दूसरा ब्रांड भी आप यूज कर सकते हो बट आप ध्यान ये देखिए वो हंड्रेड प्योर हो बाकी दूसरा ब्रांड का भी आप यूज कर सकते हो कोई इशू नहीं है तो फिफ्टीन एम की क्वांटिटी आपको फोर थर्टी में मिल जाएगी उससे बड़ा चाहिए आपको थर्टी एमएल का तो उसकी प्राइस रहेगी सेवन फोर्टीन और उससे बड़ा हंड्रेड एमएल का चाहिए तो फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव अप्रॉक्स आपको मिलेगा बट इतना बड़ा साइज लेने का कोई सेंस नहीं है फिफ्टीन एमएल आप लें अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो तो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा तो फिफ्टीन एम एल सफिशियंट है फिफ्टीन एमएल तो देखिए इन्होंने यहाँ मैंशन किया है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली कीप अवे इन कूल एंड ड्राई प्लेस कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से आपको दूर रखना है और बच्चों से आपको दूर रखना है सो so, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये स्टीम डिस्टिल फ्रॉम फ्लावर ऑफ द लेवेंडर प्लांट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी ऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे लिखा हुआ है कामिंग प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे लिखा है और ये हंड्रेड परसेंट चलिए मैं आपको बता दी टॉप फाइव बेनिफिट्स ऑफ लवेंडर एसेंशियल ऑयल हेयर केयर लेल ऑयल बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है अगर आपके बाल काफी ज्यादा ड्राई फ्रिजी एंड रफ है तो आपको क्या करना है आपको लेना है आलमंड ऑयल आपको लेना प्योर बादाम का तेल रोगन बादाम तेल आप यूज कर सकते हो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले लें ले एक बाउल में और उसमें आप टू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालें और इसे आप यूज कर ले ओवरनाइट आप रख सकते हो या आप चाहो तो एक घंटे भी रख Next सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके बाल झड़ रहे हो हेयर फॉल हेयर लॉस आपको हो रहा हो टूट रहे हो आपके तो आपको लेना है कैरियर ऑयल कैरियर ऑयल में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो ऑलिव ऑयल ले सकते हो जो ऑयल ले सकते हो अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले टू ड्रॉप ऑफ लैवेंडर एसेंशियल आप डालें अगर आपके हेयर अच्छे लेंथ लंबे हैं तो छोटे हैं तो शॉर्ट है तो वन ड्रॉप डालें और इसे हफ्ते में एक बार आप लगाएं स्टार्टिंग में जैसे तीन से चार एप्लीकेशन हो जाएगा तो फिर आप हफ्ते में दो बार भी आप कर सकते हैं आप देखेंगे आपके हेयर फॉल काफी हद तक रुक जाएंगे कंट्रोल हो जाएगा आपका हेयर लॉस नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपके बालों में डेंड्रफ हो रखे हैं जुए हो रखे हैं तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है आपको लेना है स्प्रे बॉटल उसमें आप डालेंगे वाटर पानी प्लेन वाटर आप डालेंगे और साथ ही उसके अंदर आप डालेंगे टू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने बालों पर अच्छे से स्प्रे करके तीस से चालीस मिनट तक रहने देना है आपको उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें और फिर बाद में कोई सा भी सीरम या टोनर आप अपने हेयर पर लगा लेंगे आप देखेंगे हफ्ते में दो बार से ही आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके बालों में जो गंदगी और जुए वगैरह जो हो रखे हैं उसे निकालने तो में। आप अपने स्किन के लिए इसे कैसे यूज कर सकते हैं अगर आपको रिंकल्स हो रखे हैं तो आपको क्या करना है जुजुबो ऑयल लेना है और इसमें मिक्स करना है आपको आ, एसेंशियल ऑयल लेवेंडर ऑयल का और ट्वाइस अ डे तो मतलब दिन में आपको दो बार अच्छे से मसाज करना है और आप देखेंगे बहुत जल्द आपके रिंकल्स गायब हो जाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं डार्क सर्कल की अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो आपको क्या करना है आपको लेना है एलोवेरा जेल फ्रेश एलोवेरा जेल ले इसमें मिक्स करें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल उसके बाद ओवरनाइट हल्के हल्के फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करें और रात भर छोड़े नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश कर लें साथ ही साथ आपको तीन बातों का ध्यान रखना है आपको हाइड्रेट करके रखना है अपने बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना अच्छा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है दूसरा नींद आपको अपनी कंप्लीट लेनी है और डाइट में भी सुधार करना है इससे आपके डार्क सर्कल वो अच्छे से क्योर हो जाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है तो आपको अपने कोई से भी फेवरेट मॉइस्चराइजर में जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपको क्या करना है इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की एक बूंद आपको डाल के जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी सॉफ्ट एंड सपल स्किन रहेगी सो थर्ड यूज है हमारा एज ए बॉडी स्क्रब आप इसे यूज कर सकते हो आपको चाहिए नारियल का तेल और चाहिए आपको चीनी और आपको चाहिए एक ड्रॉप ऑफ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल इसे अच्छे से आप मिक्स कर ले आप इसे एज ए बॉडी स्क्रब आप अपने बैक में जो बैक पीठ वगैरह पे हो रखे रहते हैं को, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो भी एक्ने वगैरह है उसे रिमूव करने में रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हद तक ये काम करता डिप्रेशन एक एंड एनजोनिया अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही काफी ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी हैडेक है आपको काफी ज्यादा आप टेंशन लेते हो घर का बाहर का ऑफिस का पास प्रेजेंट फ्यूचर का आप काफी ज्यादा टेंशन में रहते हो आप तो आपको क्या करना है आपके पास अगर डिफ्यूजर हो तो उसमें आप डिफ्यूज कर सकते हो ये ऑयल एसेंशियल ऑयल को अदरवाइज आप क्या, क्या कर सकते हो आप इसे इनहेल कर सकते हो एक कॉटन बॉल में लेके आप इसे इनहेल कर सकते हो तो इससे आपका जो स्ट्रेस और एनजाइटी है वो काफी हद तक पूरा खत्म हो जाएगा आपका और नेक्स्ट आप कर सकते हो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपको अपने पिलो कवर के अंदर इसे हल्का हल्का ऑयल लगा दे रहे हैं ऑयल आप देखेंगे रात को नींद आपको काफी ज्यादा अच्छा आ जाएगी और अगर आपको हेड काफी ज्यादा तो आपको क्या करना है आपको के कर दे रहे हैं और सो जाना आप देखेंगे आपका तुरंत हेड जो है वो गायब हो जाएगा आपके दिमाग को शांत करेगा काफी ज्यादा कामिंग प्रॉपर्टीज रहती है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के अंदर तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको सो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है बॉडी पेन और एक्जिमा अगर आपको हो रखे हैं बॉडी पेन है आपको काफी ज्यादा तो आपको क्या करना है या तो आप अम... बॉडी मसाज कर सकते हो इस कैरियर ऑयल के साथ किसी भी कैरियर ऑयल के साथ मिला के जिस एरिया पे आपको पेन हो रहा है या फिर आप बात ले सकते हो ये बेस्ट ऑप्शन है आपको अपने नहाने के पानी के अंदर एसेंशियल uh, ऑयल डालना है लेविडन एसेंशियल ऑयल साथ में आपको डालना है एप्सेंट सॉल्ट वो अच्छे से आप मिक्स कर लें और इसे आप बात ले लें नहा ले, आप देखेंगे आपकी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स हो, हो गई है जितने भी पेन थे वो काफी हद तक कम हो गया है नेक्स्ट बात करते हैं एक्जीमा की अगर आपके बॉडी में एक्जीमा की प्रॉब्लम है स्किन uh, रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको एसेंशियल ऑयल लेवेंडर एसेंशियल ऑयल प्लस टी ट्री एसेंशियल ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद आप जिस एरिया में आपको है वो आपको अप्लाई कर लेना है स्किन रिलेटेड जितने भी आपको इशू है इचनेस हो गई है वो सारे आप इससे रिड्यूस हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द तब तक ले बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी